गल करते हैं ब्रैम्पटन की। सो ब्रैम्पटन दे विच जिहड़ा कोविड केसिस ने वो बहुत ज़्यादा ने, तो एसेंशियल वर्करस इसके सब तो वध शिकार ने। सो इस संबंधी आपां हमेशा इत्थे गल करते रहिंदे आ कि उन्हां वर्करस नूं जिहड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए है। सो अज जिहड़ी मैं गल करन जा रहा वो है कि एमाजॉन की जिहड़ी फैसिलिटी है उस दे विच जिहड़े बहुत सारे केसिस पिछले दिन सामने आए, तो उस फैसिलिटी नूं जिहड़े हैल्थ डिपार्टमेंट वालों बंद भी किया गया ता कि वर्करस आ उत्थों दे आइसोलेट हो सकन। सो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि 600 दे करीब जिहड़े वर्करस ने वो कोविड का उत्थे शिकार हो चुके ने, संक्रमित हो चुके ने जिहड़े कोविड दे बीमारी दे नाल। पर जिहड़ी एमाजॉन दी अथॉरिटीज़ वालों बहुत घट केस जिहड़े रिपोर्ट किए गए। सो इस करके क्योंकि जिहड़ी रिपोर्ट करनी हुंदी है प्रोविंशियल कंपनसेशन बोर्ड नूं, जिहड़ा वर्कर कंपनसेशन बोर्ड है उन्हां नूं रिपोर्ट करनी हुंदी है, और गिनती जिहड़ी जिन्ने केसिस उत्थे सामने आए ने उन्नी गिनती रिपोर्ट नहीं की, उस तो बहुत घट गिनती जिहड़ी रिपोर्ट की गई है। सो इस नूं नोटिस किया जा रहा है कि क्योंकि वर्करस नूं एक तरह की ऑन वर्क जिहड़ी है एक तरह की बीमारी लग रही है, जो अपने काम ते ने काम ते आउण करके उन्होंने इस तरह की जिहड़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली जिहड़ी कंपनसेशन बोर्ड वालों कंपनसेशन मिलनी बनती है। सो इस संबंधी जिहड़े हुण गल की जा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि एमाजॉन की जिहड़ी अथॉरिटीज़ आ जिथे वो ये डिमांड कर रही ने कि साड़ी जिहड़ी फैसिलिटी जल्दी खोली जाए, क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि उन्होंने बिजनेस का वड्डा लॉस हो रहा है, पर उत्थे नाल वर्करस दे लई उन्हां दी पूरी जिहड़ी रिपोर्टिंग उन्हां दा पूरा उन्हां दी सेहत का ख्याल रखन संबंधी भी गल होनी चाहीदी है। उन्हां दी पूरी रिपोर्ट उत्थे बोर्ड नूं होवे, उन्हां नूं पूरी कंपनसेशन मिले, ते जिहड़े लोग जिहड़े वर्करस इस वेले उन्हां नूं घरां च आइसोलेट किया गया जां रहना पै रहा, उन्हां नूं घरां दे विच ही रहना चाहीदा, क्योंकि ये जिहड़ी आइसोलेशन है ये बहुत जरूरी है ता कि बीमारी होर ना फैले, होर वर्करस नूं होर जिहड़े उन्हां दे दोस्तां मित्रां नूं ना होवे। जेकर वो इन्हां दिनां नूं एज ए पेड होलीडेज़ वरतनगे तो वह भी गलत है, उस तरह भी नहीं होना चाहिए। सो इस फैसिलिटी कदों खोलिया जाता तो उस तो बाद किस तरह के प्रबंध उत्थे किए जाते इस पर साड़ी नज़र रहेगी, तो आप इस फिर भी कवर करते रहेंगे। तो अपनी रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह जी एमाजॉन की फैसिलिटी की जी रिपोर्टिंग है पूरी नहीं की गई। कुछ दिन पहला ब्रैम्पटन दे विच एमाजॉन दी एक ब्रांच होए कोविड आउटब्रेक होने कारण उस फैसिलिटी नूं पील पब्लिक हेल्थ वालों 14 दिनों वास्ते बंद कर दिता गया सी, अते कोविड पाए गए कर्मचारियों नूं सैल्फ आइसोलेट होने लई कहा गया सी। ताज़ा रिपोर्ट्स दे मुताबिक 600 तो वध एमाजॉन कर्मचारी हुण तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हन, अते ओह वी एक ही ब्रांच दे विचों जिसकी जानकारी एमाजॉन वालों नहीं दित्ती गई। खबरां ये भी सामने आ रही हैं कि एमाजॉन वालों अपनी ब्रांच के सिर्फ 5 कोविड केस हुण तक दसे गए ने, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 तो वध कोविड केस सामने आ चुके ने। पिछले हफ्ते पील पब्लिक हेल्थ वालों ब्रैम्पटन हैरीटेज रोड से स्थित एमाजॉन की एक ब्रांच को बंद कर दिया गया सी, क्योंकि हर दिन उस ब्रांच विचों कई केस सामने आ रहे सन। इन्ने वर्करस कोविड पॉजिटिव आने तो बाद भी एमाजॉन वालों कोई भी क्लेम वर्कप्लेस सेफ्टी और इंश्योरेंस बोर्ड के रजिस्टर नहीं करवाया गया, जिसनों लैके भी शक वध रहा है। देखा जाए तो ओंटारियो के हर एम्पलॉयर नू अपने काम वाली थां ते किन्ने केस रिपोर्ट किए गए हैं उसकी जानकारी WSIB नाल सांझी करनी जरूरी है। देखा जाए तो ओंटारियो के हर एम्पलॉयर नू अपने काम वाली थां ते किन्ने केस रिपोर्ट किए गए हैं उसकी जानकारी WSIB नाल सांझी करनी जरूरी है। जेकर कोई एम्पलॉयर इस तरह करन दे विच असफल रहिंदा है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। एमाजॉन दिया होर 3 ब्रांचों के भी कोविड आउटब्रेक दिया खबरें सामने आई हैं, पर कंपनी वालों इस बारे जानकारी सांझी ही नहीं की जा रही। दूसरे पास एमाजॉन की बंद की गई ब्रांच से पील पब्लिक हेल्थ की नज़र लगातार बनी हुई है और इंस्पैक्शन की जा रही है ताजो मुड़ इस तरह की आउटब्रेक होने का खतरा ना बने।